नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी अभिनीत फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। जी हां, इस फिल्म की कहानी को लेकर अमित गुप्ता ने अपने वकील के माध्यम से निर्माताओं को कानूनी नोटिस भी भेजा है। आपको बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने लेखक अमित गुप्ता ने इस फिल्म के निर्माताओं को लीगल नोटिस भेजा है। जी हाँ, मुंबई में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित गुप्ता ने कहा है कि जब उन्होंने फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर देखा तो वह हैरान हो गए, क्योंकि इसका केंद्रीय कॉन्सेप्ट उनका लिखा हुआ है। उन्होंने काफ़ी समय पहले एक लेखक के तौर पर स्क्रीन राइटर एसोसिएशन यानी कि SWA में यह कहानी रजिस्टर्ड कराई थी, इसलिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के सभी निर्माताओं को एक लीगल नोटिस भेजा है। जी हाँ, आपको बता दें कि विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की कहानी एक ऐसे नए शादीशुदा जोड़े के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी सुहागरात पर अपना निजी DVD रिकॉर्ड करते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब वो DVD खो जाती है, इससे उनके जीवन में हंगामा मच जाता है और फिर कॉमेडी क्रिएट होती है। अमित गुप्ता ने कहा है कि यह बुनियादी कहानी का ढांचा उन्होंने लिखा था, जिसे स्क्रीन राइटर एसोसिएशन के पास रजिस्टर्ड भी करवाया था। अब उसी आइडिया पर विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म बनाई गई है। यह कॉपीराइट्स का उल्लंघन का मामला है और मैंने निर्माताओं के खिलाफ नोटिस भेजा है। अमित गुप्ता के नोटिस का उनकी ओर से जो जवाब आया है, उसमें उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखी है वो अमित गुप्ता के रजिस्ट्रेशन डेट के बाद की तिथि है। इससे सिद्ध होता है कि अमित गुप्ता का दावा सही है। आपको बता दें कि विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का निर्देशन राज सांडिल्य ने किया है और लेखक में भी उनका ही नाम दर्ज है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ होने जा रही है। 90 के दशक पर आधारित विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, एकता कपूर, शोभा कपूर, विमल लाहौटी, अश्विन वर्ले, राजेश बहल, राज सांडिल्य और विपुल डी शाह हैं। अमित गुप्ता को अदालत पर पूरा भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा और उनका नाम फिल्म की कहानी में लेखक के रूप में दर्ज किया जाएगा। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अमित गुप्ता जी के पास में, जहां पर वह मीडिया से रूबरू होकर इस पूरी कहानी का ब्यौरा मीडिया को दे रहे हैं। देखिए, मैं उस फिल्म का मतलब मैं उस स्टोरी का राइटर हूं, तो मैंने एक स्टोरी लिखी जिसको मैंने 2015 में रजिस्टर्ड कराया। उसके बाद जो है उसे कई लोगों को एज ए राइटर डायरेक्टर मैंने पिच किया और उसके बाद अभी देख रहा हूँ, मतलब किसी वजह से वो फिल्म शुरू नहीं हो पाई और अभी उसी स्टोरी पे फिल्म आ रही है, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, जो कि सेम स्टोरी है, पूरा का पूरा 100% उन्होंने कॉपी किया है मेरी स्टोरी को। फिर हमने एक लीगल उनको नोटिस भेजा, सारे प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज बालाजी वगैरह जितने लोग हैं, 9 प्रोड्यूसर्स हैं। देन उनकी तरफ से जो नोटिस का रिप्लाई आया तो उन्होंने अपना डेट मेंशन किया, जिसमें कि हमारा 27 अक्टूबर 2015 को रजिस्टर्ड है। तो मेरा उनसे पहले का रजिस्ट्रेशन था जो कॉपी हुआ है। अब यही है, मतलब उनके रजिस्ट्रेशन, देखिए मेरे पास रजिस्ट्रेशन कॉपी भी है। हाँ हाँ, ये मेरा रजिस्ट्रेशन कॉपी है। उस वक्त मेरा टाइटल था इश्क में रिस्क, जिसे मैं एज ए राइटर डायरेक्टर पिच कर रहा था। तो ये मेरा जो उनका हमारा जो नोटिस का जवाब आया है, मैं अभी डेट शो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये है प्रूफ है। और जो उनका नोटिस का जवाब आया, पहले तो मैंने ये नोटिस भेजा था सारे प्रोडक्शन हाउसेस को, ये मैं आपको शो कर देता हूँ सारे प्रोडक्शन हाउसेस को। हाँ, मिल जाएगी, रेफरेंस के लिए मिल जाएगी। इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए या? हाँ, चलेगा। तो ये है आपका। तो उनका जो रिप्लाई आया, अच्छा, ये प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से, सबकी तरफ से आया कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस की? देखिए, ये जो एडवोकेट हैं, मतलब जो ये कंपनी है नाइक एंड नाइक, तो ये उन्हीं का देखती है, बालाजी का भी देखती है, कई सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस के देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा नाम है उनका। तो उन्होंने
इधर अपना डेट मेंशन किया है कि इतने तारीख को 27 अक्टूबर 2015 को उनका रजिस्टर्ड हुआ था राइटर एसोसिएशन में, तो मेरा रजिस्ट्रेशन इनसे पहले का है। क्या मानते हैं राशन के लिए आप आदतन लोगों की चोरियां उठाते रहे? सर अब क्या बोलूं सर, अब इस बारे में हमारे जो लॉयर हैं वो बोलेंगे। इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे हम किसी प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं तो हम उस चीज़ के ओनर हो जाते हैं, तो नेचुरली है कि अगर कोई भी क्लेम आदमी करता है तो ओनर पर करता है, तो वैसे हमारा क्लेम जो है वो प्रोडक्शन हाउस पे इसीलिए है। राइटर का आपने जो है थॉट प्रोसेस अगर आपने ले लिया है, उसको पे किया उसका रेमुनरेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है, राइटर तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, उसके साथ में प्रोडक्शन हाउस भी रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रोडक्शन हाउस ये कहकर अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं हो सकता है कि भाई हमको तो पता ही नहीं था कि इसके पहले किसी और ने ये स्टोरी यहाँ रजिस्टर्ड कराई हुई है, बात वो नहीं है। बात यह है कि एक राइटर के पास में असेट के रूप में उसका एक थॉट प्रोसेस होता है, एक क्रिएटिविटी होती है, जिस क्रिएटिविटी को वो कई सालों तक अपने दिमाग में लेकर वो जो है बुनता है, तब जाकर उसे वो अपने पेपर के माध्यम से कलम के माध्यम से आप लोगों के सामने लाता है। तो उस क्रिएटिविटी को उस मेहनत को रातों रात अगर कोई हाईजैक कर ले तो वो एकदम गलत है। किसी भी व्यक्ति के लिए उससे बड़ा और कोई भी जो है दुर्भाग्यशाली दिन नहीं हो सकता। आपने ये बात अभी अभी आपके सामने क्लियर कर दी है कि इनके कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन के बहुत पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब चूंकि लॉ के प्रोसेस में ये सारी बातें हैं, इसलिए हम आपको हर चीज़ माइन्यूटली और हर चीज़ आपके सवाल के अनुसार हम नहीं दे पाएंगे जवाब, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उनके रजिस्ट्रेशन से पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, और सोल ऑफ द जो स्टोरी है हमारी, वो सोल ऑफ द स्टोरी जो है वो 100% मैच करती है, 100% मैच करती है। थोड़े यहाँ वहाँ सीन्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स एक दो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो एक कहते हैं कि दो लाइन की स्टोरी आप मुझे सुनाई है, जैसे आप अपनी इंडस्ट्रीज में चलता है आप देखे होंगे, तो बेसिक स्टोरी आइडिया वो 100% मैच करता है। और आप खुद डायरेक्टर थे, राइटर डायरेक्टर उस प्रोजेक्ट के लिए बनना चाहते थे, किसी वजह से वो चीज़ें अभी आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब इनके थॉट प्रोसेस को अगर कोई रातों रात पिच कर ले और इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, उसको अगर इस बात की जानकारी ना हो तो मेरे दिमाग में वो बातें नहीं बैठती हैं। सर जी आपसे एक सवाल है। यस, राज संजीला जी को आपने नरेशन दिया था जो उन्होंने कॉपी? सर सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं एज ए राइटर तो उसको हम सबसे पहले रजिस्टर्ड कराते हैं, बिकॉज जब आइडिया बहुत यूनिक होता है तो हम किसी को भी सुनाने से पहले हम उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। रजिस्टर्ड के बाद हमको हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारी जो स्टोरी है वो कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि एसोसिएशन जो है वो मतलब है, क्योंकि लॉ तो लॉ होता है। तो उसके बाद हम उसको पिच करते हैं, बिकॉज घर पे बैठ के तो हम फिल्म बना नहीं सकते हैं। तो उस वक्त मैं एज ए राइटर डायरेक्टर कई लोगों को पिच किया, कई सारे लोगों को मेल किया मैंने। अब उसी में से कैसे वो नहीं, जैसे आपने नरेशन दिया था? नहीं, मैंने राज संडेलिया को नरेशन नहीं सर, दिया। और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, राइटर्स एसोसिएशन में आपने भी रजिस्टर कराई है, उन्होंने भी कराई, क्या वो लोग कुछ इन्वॉल्वमेंट है उनका, या फिर वो जो आपकी जो कंप्लेंट है क्या आपने राइटर एसोसिएशन को बताई है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं अपनी साइड से, अगर उस बारे में भी कुछ शेयर करें, उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया? देखिए पहले तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा क्योंकि एसोसिएशन है, लेकिन मैं जब अपना कंप्लेन लेके एसोसिएशन के पास गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा सर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जब तक हम फिल्म देखेंगे नहीं तब तक से हम आपका कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन आजकल जो ट्रेलर रिलीज होते हैं उसमें पूरी फिल्म का कहानी पूरा क्लियर करते हैं, क्योंकि आजकल जितनी भी फिल्में होती हैं ऑलमोस्ट। तो मैंने उनसे एक ही बात बोला कि अगर फिल्म रिलीज़ हो जाएगी तब आप क्या कर लेंगे, मेरा हक तो गया, मैं भाई जो मैंने मेहनत किया है, मेरा क्रेडिट भी गया, सब कुछ गया, तो आप क्या कर लेंगे? बोले तो अगर आपको अगर कोई एक्शन लेना है तो आप लीगल जाइए, तो हम लीगल जा रहे हैं। अमित गुप्ता जी सर जी, इससे पहले आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है थोड़ा सा बता पाएंगे क्या क्या इससे पहले आपने किया? सर मैंने
टीवी शोज किए हैं बहुत पहले, जब मैं 20 साल पहले, एक आता था सर पाप पुण्य का खेल बहुत पहले, ये शुरुआत मैंने आस्था से शुरू किया था जब मैं आया था, 20 साल हो गया मुझे इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद मैंने फिल्में की कुछ, लतीफ़ एक फिल्म आई थी जो कि रियल डॉन लतीफ़ के ऊपर जो है वो बनी थी, नहीं नवाज़, नहीं नहीं नवाज़ वाली नहीं, जो रियल लतीफ़ पे बनी थी जो गुजरात के डॉन थे, तो उनके ऊपर जो बायोपिक थी तो वो मैंने लिखी थी, वो 2014 में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद अभी फैज़ल खान एज ए डायरेक्टर जो डेब्यू किया उन्होंने, तो फैक्ट्री मैंने लिखी है। फिर अभी बहुत सारी फिल्में आ रही है, एक फिल्म आ रही है हथौड़ा, जो कि उसको एज ए राइटर डायरेक्टर कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने एक सॉन्ग किया है जो 100% BFX है, वो म्यूज़िक वीडियो है, जो कि शायद अभी तक इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किसी ने किया नहीं है, क्योंकि 100% BFX बहुत मुश्किल होता है और एक म्यूज़िक वीडियो के लिए। तो है सर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यस यस जैसे हो, और मैं ये भी मान सकता हूँ देयर आर लीगलिटीज, देयर आर प्रोसेस, यू नो देयर आर प्रोसीजर व्हेन यू डू लीगल थिंग्स एंड ऑल, इतना टाइम क्यों लग गया आपको मिलिए सर? मैंने अभी आपसे कहा कि मैं एक अभी रिसेंट में एक म्यूजिक वीडियो किया है मैंने, जिसका पोस्ट में मैं बहुत बिजी था, BFX में बहुत टाइम लग गया मुझे, 2.5 महीना मुझे सिर्फ BFX में लग गया, तो मैं उसमें बिजी था तो जो है चीज़ें देख नहीं पा रहा था। तो मुझसे किसी ने कहा कि एक फ़िल्म का ट्रेलर आया, मेरे एक म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने कहा, तो मैंने वो ट्रेलर देखा, वो जैसे ही देखा तो मुझे शौक लगा कि ये तो सब कुछ मेरा ही है, तो उसके बाद मैंने एक्शन लेना शुरू किया। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, आई होप दिस इज नॉट अ पब्लिसिटी स्टंट। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं सर, ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं है, हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ में कॉपी राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, जिसके लिए हम कोर्ट को अप्रोच करने जा रहे हैं, और जल्द से जल्द हम कोर्ट को अपनी बातें रखेंगे, और हमें न्याय प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। सर और कोई तो रास्ता नहीं है न्याय पाने का, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ में न्याय होगा, और मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है कि वो मेरी बातें सुनकर कोई ना कोई एक अचूक निर्णय लेंगे। सर ऐसा कुछ हुआ है कि वो लोग आपके लिए कोई स्क्रीनिंग रखे फिल्म की, क्योंकि अभी सब ट्रेलर आया है, हो सकता है वो ना भी हो जो आप बोल रहे हो? नहीं, आपने ऐसा डिमांड किया कि हमारे लिए एक स्क्रीनिंग रखी जाए फिल्म की? नहीं, उन्होंने हमसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया, उन्होंने सीधा नोटिस का हमारे जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने अपना डेट मेंशन किया है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्या भेजा उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी जो है मतलब ऐसे जा सकते हैं आराम से, जैसे जो कानूनी प्रक्रिया है, जैसा हमारे सर ने बोला, और हमारी न्यायपालिका उन पर भरोसा है, और आप भी समाज का चौथा स्तंभ है, मतलब आप लोग हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जो है मुझे भी एक न्याय मिल सके, क्योंकि अच्छी स्क्रिप्ट लिखने में, अच्छी स्टोरी लिखने में बहुत मुश्किल होता है, अच्छा यूनिक आइडिया आने में मतलब बहुत वो लगता है, और अगर मेहनत जा रहा है आपका तो मतलब है, और बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जो लोग खड़े नहीं हो पाते हैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि सब बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के, मैंने हिम्मत की है कि भाई थोड़ा सा मतलब चीज़ें वो हो, बाकी आप लोग। लेकिन सर पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद अब आपको पता चल रहा है ये मेरा कॉन्सेप्ट उन्होंने चुरा लिया है, और चुराने के बाद ये सर जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी चीज़ है, जब आप देखेंगे नहीं, कम से कम ट्रेलर से आपको पूरा आइडिया हो जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि आजकल जो ट्रेलर बनता है वो 3 से 3.25 मिनट 3.5 मिनट का बनता है, तो ट्रेलर में ऑलमोस्ट स्टोरी क्लियर कर दी जाती है, क्योंकि ये कैसे हुआ बस वो ऑडियंस वो जानने के लिए वो देखने जाती है, क्योंकि एक्साइटमेंट छोड़ने के लिए पूरा हम ट्रेलर वैसा ही काटते हैं आजकल। तो अभी जैसे कि कोई फिल्म बनती है तो जल्दी उसकी स्टोरी कोई डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि वो प्राइवेसी उनकी, अब उन्होंने कब बनाई कैसे बनाई वो उनका है सर। लेकिन मेरी मैंने एक लैंड खरीदा था जिसमें आज उन्होंने टावर या जो भी खड़ा किया है, तो वो अब किसने उनको फर्जी डॉक्यूमेंट दे के किया है वो अलग बात है, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन पहले का है, तो मतलब मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए,
क्योंकि मेरा चीज़ चोरी हुआ है और चोरी जो हुआ है वो आप समझ सकते हैं कैसे होता है। एक चीज़ जो है 10 लोग तक जाती है। आप जब कोई PPT बनाते हैं प्रेजेंटेशन तो एक प्रोड्यूसर को भेजते हैं तो वो 10 लोग को दिखाता है, उसमें से होता है PPT में सारी स्टोरी क्लियर होती है। सर सर आगे क्या एक्शन लेने का प्लान है उसके बारे में बता दें। 100% हम लोग जो है हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट का वायलेशन हाई कोर्ट में ही जाता है और 100% कुछ ही हम दिनों में शायद 2-1 दिनों के अंदर ही हम ये सूट फाइल करके इसमें तुरंत का तुरंत हम जो है जुडिशरी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर वो एक अप्रोप्रिएट एक्शन लें और अप्रोप्रिएट एक्शन लेकर इस चीज़ को क्लियर करें कि अगर हमारी चीज़ को पिच की गई है, हमारी चीज़ों को दिखाई गई है तो हमें कैसे प्रोटेक्शन मिल सकता है, उसको किस तरह से हम अपनी बात को रख सकते हैं, वो हम पक्का करेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, BCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।